तो गाइज कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम कोई इतनी टेस्टी डिश खा लेते हैं कि उसके बाद सब कुछ ही टेस्टलेस लगने लगता है। स्मार्टफोन्स में भी मेरे साथ ऑलमोस्ट सेम चीज हुई है इस मी 11 हाइपर चार्ज को यूज करने के बाद। तो सबसे पहले उसी चीज की हम बात कर लेते हैं जो कि इस स्मार्टफोन के परचेजिंग डिसीजन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जो कि इसकी इनसेन चार्जिंग स्पीड्स। ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन है टू चार्ज एट 120 वॉट्स। और गाइस, अगर आप सैमसंग या एप्पल वगैरह को यूज करते हो तो यू कांट इवन इमेजिन कि 120 वॉट्स कितनी फास्ट होती है। 15 मिनट में 0 to 100%। आप 2-3 मिनट के लिए टॉयलेट जाओ तभी उतनी देर में ही स्मार्टफोन लाइक 30% चार्ज हो जाता है। लाइक व्हाट, इतनी देर में तो मेरा गैलेक्सी नोट ये जो है यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि आपने चार्जर प्लग इन किया है, मुझे मतलब चार्ज होना पड़ेगा। क्यों मेहनत करवा रहे हो सर, काम चलता हो तो देख लो। तो दिस इज जस्ट लाइक वाओ, अनइमेजिनेबल गाइज। 120 वॉट, मैं कह नहीं सकता कि आई एम सुपर फैन। और उसके बाद मुझे अब कोई भी स्मार्टफोन अगर यूज करूंगा तो इट विल फील वन हेल ऑफ अ स्लो स्मार्टफोन, बिकॉज इतना फास्ट चार्जिंग जस्ट अनइमेजिनेबल। और गाइज, 120 वॉट की इनसेन स्पीड्स के बाद भी स्मार्टफोन हीटअप नहीं होता, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। लाइक यस, आई कैन टेल कि स्मार्टफोन थोड़ा सा वार्म था पीछे हाथ लगाने पर, बट वो भी चार्जिंग हटाने के 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। बट वेल, करंटली इंडिया में सर्दियां चल रही हैं तो आई डोंट नो कि गर्मियों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी हीटअप होने के हिसाब से, बट आई डोंट थिंक कि हीट विल बी ए फैक्टर इवन इन दी इंडिया की तपती गर्मियां। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी कि चार्जर हमें फ्री मिलता है, थैंक यू शाओमी, रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड। हाउएवर, इसमें हमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती एंड आई एम टोटली हैप्पी विद इट। पहली बात तो इसका प्राइस, 25-26 हज़ार के स्मार्टफोन्स में हमें यूजुअली वायरलेस चार्जिंग मिलती भी नहीं। और दूसरी चीज़ कि यू डोंट नीड वायरलेस चार्जिंग, 120 वॉट इज जस्ट सो मच गुड दैट वायरलेस चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने गैलेक्सी फोल्ड की वायरलेस चार्जिंग को भी कंप्रोमाइज कर दूंगा अगर सैमसंग मुझे 120 वॉट की चार्जिंग दे, तो वायरलेस चार्जिंग आई एब्सोल्यूटली डोंट नीड इट ऑन दिस स्मार्टफोन। नाउ एक और चीज जो कि इट कुड बी अ कंसर्न इन द फ्यूचर कि इसकी बैटरी डिग्रेडेशन कैसी होगी, बिकॉज जितना हम रैपिडली चार्ज करते हैं बैटरी को उतनी रैपिडली ही बैटरी डिग्रेड भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो Xiaomi ने काफ़ी सारी न्यू पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज यूज की हैं जो कि यू कैन रीड ऑन देयर वेबसाइट, बट इंपॉर्टेंटली उनका क्लेम है कि 800 चार्ज साइकिल्स के बाद इट शुड रिटेन अप टू 80% ऑफ बैटरी कैपेसिटी। तो 800 चार्ज साइकिल्स अगर आप सुपर पावर यूजर हो तो यू कैन डू इन 2 साल, एंड अकॉर्डिंग टू Xiaomi बाकी के जो स्मार्टफोन है वो रिटेन करते हैं अराउंड 60% ऑफ बैटरी आफ्टर 500 साइकल्स। तो अगर Xiaomi का ये क्लेम ठीक है तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड, बट आई स्टिल हैव माई डाउट, जो कि 1-2 साल इसको यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली 800 साइकिल के बाद 80% बैटरी रिटेन की या फिर नहीं की। लेकिन इसे भी इंपॉर्टेंट ये है कि Xiaomi इसे कहता है कि यू कैन चार्ज इट एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज रियली ऑसम, बिकॉज अगर आपको पता हो तो इट इज यूजुअली एडवाइज्ड कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर हो तो हमें लिथियम आयन की बैटरीज को चार्ज नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला तो ये होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ खराब हो जाएगी, और दूसरा कि इट कैन इवन कैच फायर, इट कैन ब्रस्ट। तो इट इज़ रियली नाइस कि Xiaomi से कहता है कि आप -10 डिग्री का जब स्मार्टफोन का टेम्परेचर हो, इतना कोल्ड जब टेम्परेचर हो, तो उस पर भी आप इसे विदाउट एनी इश्यू विदाउट एनी प्रॉब्लम के चार्ज कर सकते हो। तो दैट इज रियली नाइस टू हैव ऑल्सो। ऑल्सो यूजुअली क्या होता है कि जब कंपनीज किसी एक प्रोडक्ट में किसी एक फीचर के पीछे भाग लेती हैं तो दे लाइक बाकी का स्मार्टफोन को वो अनफिनिश छोड़ देती हैं। बट आई एम रियली हैप्पी टू से कि दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। मुझे कोई भी ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती जो कि पर्टिकुलरली मेंशन करनी पड़े। हर इंपॉर्टेंट फीचर में दिस फोन एक्सेल्स, लेकिन फिर भी देर आर वीक पॉइंट्स। सबसे लाइक वीकेस्ट ऑफ द वीक पॉइंट्स वो है कि इसका डायमेंसिटी प्रोसेसर, जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। इस प्राइस में हमें मिलते हैं डायमेंसिटी 900, स्नैपड्रैगन 778, या फिर कुछ एक स्मार्टफोन्स में डायमेंसिटी 1200 UB। तो इट सिट्स राइट इन द मिडल, कुछ से बेटर है कुछ इससे भी बेटर हैं। तो व्हेन आई से कि ये वीकेस्ट लिंक है, मेरा मतलब ये नहीं कि इट लेट्स इट डाउन, आई जस्ट मीन कि बाकी का स्मार्टफोन इतना अच्छा है कि डायमेंसिटी 1200 लाइक बाकी के स्पेक्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है। बट 20 दिन से इसे मैं स्मार्टफोन को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई हिकअप या फिर
पबजी वगैरह के टाइम पर कोई लैग नोटिस नहीं हुआ। अगर एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस हुई तो वो है रैम की मिसमैनेजमेंट। यस आई नो कि ये 6 GB वाला वेरिएंट है, बट स्टिल स्मार्टफोन वॉज किलिंग दी एप्स अ बिट टू क्विकली फॉर मी। मे बी ऐसा बैटरी को सेव करने के लिए किया जा रहा था, बट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो 120 वोट का इनसेन चार्जर है, तो व्हाई डू आई नीड टू वरी अबाउट चार्जिंग। और दूसरी बात, बैटरी लाइफ इन इट सेल्फ भी काफ़ी अच्छी है। 1.5 घंटा पबजी खेलने के बाद लाइक ऑलमोस्ट 18% बैटरी गई थी, विच इज़ रियली रियली गुड। नाउ बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है विद वन पोटेंशियल डिज़ाइन फ्लो। Xiaomi ने सारे के सारे प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए हैं, इट फील्स रियली प्रीमियम, ग्लास एंड मेटल। और ये जो हमारा आईफोन 12 से इंस्पायर्ड स्क्वेयर लुक है, आई रियली लाइक इट। बट एक चीज़ थोड़ी सी है कि जो ये बैक पैनल है कई जगह से थोड़ा होलो साउंड करता है, जैसे सुनो भी, तो मिडल में थोड़ा सा लाइक होलो साउंड करता है, बट दैट इज नीट पिकिंग एट दिस पॉइंट। और अगर नीट पिक कर ही रहा हूं तो मैं ये सेल्फ स्टैंड भी नहीं करता, आई रियली लाइक सेल्फ स्टैंडिंग स्मार्टफोन्स। बट उसकी बात करते हैं वो जो एक डिजाइन फ्लो, और वो है कैमरा डिपार्टमेंट में। एक्चुअल कैमरा क्वालिटी नहीं, बट जो ये कैमरे का बम्प है इस मॉड्यूल में, इसका टॉप पार्ट बिगर है देन दी बॉटम वन। यूजुअली इसका ऑपोजिट होता है, बॉटम पार्ट इज बिगर देन दी टॉप पार्ट। नाउ आप पूछोगे कि लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, नथिंग अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो, बट अगर आप मैं हो तो इट इज रियली रॉन्ग, बिकॉज मेरे हाथ रुकते नहीं है रियली, आई जस्ट कांट स्टॉप माई हैंड्स। जब मैं गैलेक्सी नोट यूज़ करता था तो पॉकेट में भी मैं पेन का बटन टैप 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 करता रहता था, जिसकी वजह से मेरे पेन का बटन भी खराब हो चुका है। और इस स्मार्टफोन में भी मैं वैसे ही टाइम पास कर रहा था, तो आई सडनली फाइंड माई सेल्फ डूइंग दिस। और मैंने नोटिस किया कि अगर मैं सपोज ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो आई कैन ईजिली पॉप दिस ऑफ, तो मैं तो आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और ऑल्सो टू कंपनीज जस्ट पुट दी बिगर पार्ट एट दी बॉटम। नाउ एक और चीज़ जो कि यू शुड रिमेंबर कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमें जरूर मिलती है, बट वो व्हाट इज इट कॉल्ड, या हाइब्रिड स्लॉट है। तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमें हाइब्रिड में मिलती है, तो यू कांट यूज टू सिम्स एंड वन SD कार्ड एट द सेम टाइम, बट हे एटलीस्ट इट्स देयर, सो या गुड। थैंकफुली टू मेक अप फॉर इट हमें काफ़ी सारी और एक्स्ट्रा गुडीज मिलती हैं, जैसे कि हेडफोन जैक हमें इस फोन में अभी भी मिलता है, एक काफ़ी डिसेंट ड्यूअल स्पीकर सिस्टम, ऑल्सो IR ब्लास्टर, एक एक्सीलेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि थैंकफुली इन डिस्प्ले नहीं है, और सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन मोटर। यूजुअली कभी वाइब्रेशन मेंशन नहीं होती, बट दिस स्मार्टफोन हैज़ गुड वाइब्रेशन फीडबैक। नाउ जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छी है, 6.7 इंचेस, 120 हर्ट्ज स्मूथनेस, एक छोटा सा पंच होल और इनफ ब्राइट भी। वैसे ऑलमोस्ट एक महीने से सनलाइट निकल नहीं रही है, बट आई थिंक कि डायरेक्ट सनलाइट में भी इट शुड बी ओके टू रीड। नाउ द लास्ट थिंग इज दिस कैमरा सिस्टम, जो कि इज रियली गुड, बट एक थोड़ा सा क्लेवर डिज़ाइन Xiaomi ने अप्लाई किया है, जो कि हमें इट वॉन्ट्स टू मेक अस फूल दैट इसमें 5 कैमराज हैं, जबकि इसमें एक्चुअलिटी में 3 कैमराज ही हैं। जो ये नीचे की साइड लेफ्ट वाला है ये फ्लैश लाइट है, और जो ये राइट वाला है ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लिटरली वो मीम होता है ना, इस वाला काम कर रखा है। इनफैक्ट जो इनका Redmi Note 10 Pro था इससे सस्ता, उसमें भी ऐसी फेकरी नहीं थी, उसमें भी 5 कैमराज थे, जबकि इसमें हमें 3 कैमराज ही मिलते हैं। जो ये 3 कैमराज हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक तो मैंने पहले भी काफ़ी कंप्लेंट की है Xiaomi स्मार्टफोन जब यूज़ करता था कि उनकी शेडोज़ वर बीइंग क्रश्ड, बट इस स्मार्टफोन में ऐसा नहीं है, शेडोज़ आर मेंटेन्ड रियली गुड, हाईलाइट्स आर ऑल्सो रियली गुड। जो 108 मेगापिक्सल का मोड है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इफ़ यू जूम इन। जो अल्ट्रा वाइड शूटर है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड सो इज़ द सेल्फी कैमरा। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा कैमरा सिस्टम, जिसे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आई वुड से इज़ ए नेगेटिव। और Xiaomi, आपको ज़रूरत नहीं थी ऐसी फेकरी करने की, द कैमरा सिस्टम वॉज ऑलरेडी गुड। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू Xiaomi Mi 11i Hypercharge का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कोई ऐसा ड्रॉबैक भी मुझे इसमें नहीं दिखता जो कि पार्टिकुलरली मेंशन करना पड़े अदर देन द फ्यू आई हैव ऑलरेडी मेंशनड। तो इट इज़ अ गुड फोन एंड डेफिनेटली डज डिजर्व माई रिकमेंडेशन। इसके बाद भी गाइज अगर आपके पास कोई थॉट्स, कोई क्वेरीज या इवन दो सजेशंस हो तो माई कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, तो डू दैट। उसके बाद गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप। ऐसे ऐसी और वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।